डू स्ट्रॉन्गली एग्री विद दिस. अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा स्कूल आएगा तो बच्चा कुछ सीखेगा ही सीखेगा. बात आई थी कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारना है तो प्राइमरी को सुधारना पड़ेगा. राजस्थान में ये स्टेप उठाया, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मर्ज किए गए. प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल्स के अंडर में आए. वहाँ पर आने पे जब एक जहाँ दो टीचर्स थे, बारी बंदी हुई होती है, 15 दिन एक जाए, 15 दिन दूसरा जाए, या हाफ तक एक आएगा, हाफ तक दूसरा. नहीं सर, ये भी मेंटल मॉडल है हमारा कि मजे लेते हैं, सारे मजे नहीं लेते. ये कहीं हो रहा है पर सब जगह नहीं. थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए, क्या दो टीचर यहाँ वहाँ जाएंगे? दो टीचर्स में एक टीचर एक स्कूल में, दो टीचर पोस्टेड है. आज मैं जाऊंगी, कल आप आएंगे, परसों मैं आऊंगी, पहले दिन पोस्टेड है. लेकिन प्राइमरी स्कूल में दो ही टीचर ऐसा ही हो रहा है. अब उस कंडीशन में साथ में ये कि बच्चे को फेल नहीं करना, हमने नहीं बोला. जबकि रूल नहीं कह रहा है कि बच्चा फेल नहीं करना, रूल ये कह रहा है कि बच्चा पास होगा, और होगा तब जब हम उसको पढ़ाएंगे. जब स्कूल्स मर्ज होंगे, अब उन आपको डेली स्कूल जाना है, डेली आपका हेडमास्टर आपके स्कूल के राउंड ले रहा है. वो ये मर्ज होने का मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग कंपोजिट स्कूल्स बना दिए, 1 to 12 के स्कूल, मींस प्राइमरी अलग, मिडिल स्कूल अलग, सेकेंडरी अलग, हायर सेकेंडरी अलग, ऐसे नहीं, 1 to 12 के कॉम्पोजिट स्कूल कर दिया जाए. जो प्राइम जो लोकेशन सबके चार ये किए हैं सर, बहुत बहुत बड़ा राजस्थान में इस चीज को उसको इंचार्ज बना दिया, उसको इंचार्ज बना दिया प्रिंसिपल, उसको तो ही देगा इंचार्ज बना दिया, क्लस्टर बना दिया. कुछ अगर स्कूल दूर है, जैसे ये हो रहा था मेरी स्कूल बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल चल रहा है, पर वो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है, मेरे अंडर में नहीं है. मेरी आंखों के सामने एक टीचर 7 बजे आता था, दूसरा 10 बजे आता था, और दूसरे के आते पहला निकल जाता था. ये मेरी आंखों के सामने होता था, मैं कुछ नहीं कर सकती. पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर कि ये स्कूल एकीकृत हुए, एकीकृत होने के बाद में मेरे अंडर में आया, तो उनको सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक छुट्टी तक उनको स्कूल में बैठना है. तो वो लोग कागज लेकर के और वो बैठे रहते थे. तो डेली जाना के भी आप क्या आज क्या कराया, आज आपने क्या करवाया, उस चीज को लेना. फिर जो हम एक मेंटल मॉडल्स पे वापस आते हैं कि मेंटल मॉडल यही है कि ये तो सबसे गरीब घरों के आते हैं. सोसाइटी का जो सबसे कचरा होता है ना, हमारे स्कूलों में हमें वही मिलता है, सरकारी में वही आता है. क्यों आता है, क्या इसके लिए सिर्फ वो लोग जिम्मेदार है? सब तरह के बच्चे नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि हम वो भी तो देख रहे हैं ना, पेरेंट्स देख रहे हैं कि आप सुबह आकर के दोपहर तक निकल जाते हो, और एक कागज लेकर के कॉपी पेन लेकर के आप बैठे रहते हो और कुछ नहीं कर रहे, तो अपना बच्चा क्यों भेजेगा? आप पढ़ाना शुरू करिए, आएंगे. हमने उसके बाद ये मेंटल मॉडल किस तरह से चेंज हो रहे हैं वहाँ पर, मैं वही चीज साथ में क्योंकि शेयर करके ही बता पाऊंगी मैं अकॉर्डिंग टू. हाँ, कोई बात नहीं, बता पाऊंगी. फिर उसके बाद में हमने लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर से शुरू किया था मैंने, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर लास्ट ईयर आए थे. हमने पैम्फलेट्स छपाए, बैनर्स छपाए, हमने जगह जगह पे बैनर, स्कूल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लोगों तक, कि हम क्या लोग क्या क्या सरकार सुविधाएं दे रही है. हर 9th में एडमिशन वाले बच्चे को साइकिल मिल रही है, तो ये बात उन तक पहुँचाई, तो शायद वो साइकिल के लालच में स्कूल आए. फिर हम ये कहते हैं कि 9th तक तो हम रोक सकते हैं, तो 9th में रोक सकते हैं. हमारे राजस्थान में रूल कर दिया कि 9th में रिजल्ट अगर 80% से कम हुआ तो टीचर्स को नोटिस मिलेगा. अब आप रोके बताइए कैसे रोकेंगे आप? 8वीं तक तो आपने धड़ाधड़ पास किया. राजस्थान में 9th तक रोकने की बात है, हमारे बिहार में बिना इम्तिहान दिए वो पास. आप ये बताइए, अभी जो हम 9th का रजिस्ट्रेशन जो किए हैं उसको क्या कहा गया? ग्रेडेशन से मतलब है, प्रमोट तो करना ही करना है, क्या मैडम? प्रमोट तो करना ही है, लेकिन किसी चीज को एक अलग तरीके से प्रमोट हो गया कि नहीं हो गया? प्रमोट हो गया ना. कचरा स्कूल में आता है, ये कचरा शब्द हमारा मेंटल मॉडल है, ये नहीं बोलना है. क्यों बोले हम ऐसा? अगर मेरे घर कोई काम करने वाली ऑनर्स है वो तकलीफ उठा के पढ़ा रही है, हम तो हेडमास्टर है, हम भी तकलीफ उठा करके हम बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये कचरा स्वीलिंग गलत है कि हम ये सोच के पढ़ा रहे कि एक बच्चा अगर हम अपने क्लास स्कूल में
नहीं पढ़ाने की बात कहाँ से आ रही है, बात पॉलिसी की बात आ रही है, प्रमोट कर देना। पॉलिसी भी तो प्रमोट करना नहीं है, प्रमोट हो जाएगा और होगा कब, जब हमने पॉलिसी का अर्थ ही मेंटल मॉडल हमने ये बना दिया कि हमें फेल नहीं करना है और हमने उसी चीज को यूज किया है। फिर समय के साथ साथ हमने ये एक जैसे सरकारी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, ये मेंटल मॉडल है लोगों का, और उन मेंटल मॉडल्स को चैलेंज करना ये हमारा काम है एज अ प्रिंसिपल एज अ हेड मास्टर। सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में लाइट नहीं होती, सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए दरी नहीं होती, सरकारी स्कूलों में ये समस्या हमारा जहाँ पर यहाँ हम बैठे हैं बात कर रहे हैं मेंटल मॉडल पे, उसका उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ आया है यही है कि एज अ लीडर एज अ प्रिंसिपल एज अ हेडमास्टर हमारा काम है सोसाइटी को इन चीज़ों को चैलेंज करना, साथ ही साथ खुद को खुद के स्टाफ को चैलेंज करना इस चीज़ के लिए कि आपने जो कचरा वाली मेंटेलिटी बना रखी है क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए। जिन बच्चों के दम से आपके स्कूल्स चल रहे हैं, जिन बच्चों के दम से आपको सैलरी मिल रही है, जिन बच्चों के दम से मिली हुई सैलरी से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कचरा कह करके अपना पल्ला झाड़ देना ये सही है क्या? ये चैलेंज करना और ये मेंटल मॉडल्स चेंज करना ही हमारा यहाँ पर उद्देश्य मुझे समझना है। थैंक यू। इनफैक्ट काफी Anybody else from the group wants to say something? This team needs to go out to say it. Yes, if I may allow. But I take small time, a little time, not a lengthy discussion. जैसे कि यहाँ बताया गया कि बच्चे को पास करना ही करना है, that is the scheme of continuous comprehension evaluation. जैसे यहाँ राइट किसी ने बोला कि उसको बच्चे को तैयार करना है, इसका मतलब ही यह है कि कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन इवोल्यूशन कंटिन्यूसली अगर टेस्ट अगर